जहां एक तरफ यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होते हुए छात्र व अभिभावकों के चेहरे खिले उठे हुए हैं और जगह जगह एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाने को मजबूर हो गए। वहीं फतेहपुर ज़िले के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर यूपी मेरिट लिस्ट में तथा विद्यालय में टॉप कर अभिभावकों व गुरुजनों का सम्मान बढ़ाया। आपको बताते चलें कि फतेहपुर ज़िले के VIP रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र अभिषेक गुप्ता ने 578 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान, अनुज श्रीवास्तव ने 567 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान तथा धीरज कुमार ने 565 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किए। वहीं इंटरमीडिएट में आयुष द्विवेदी तथा नंदिनी सिंह ने 481 अंक प्राप्त कर यूपी मेरिट में स्थान व विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही नित्या त्रिपाठी ने 480 अंक पाकर यूपी मेरिट में 10वां स्थान, विद्यालय में द्वितीय स्थान एवं अभय सिंह ने 472 अंक पाकर विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। छात्रों की इस शानदार सफलता के लिए विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर हरेश प्रताप सिंह एवं प्रबंधक समिति के पदाधिकारी ने शुभकामनाएं दी। यूपी में एक टॉपर की लिस्ट में आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसका श्रेय अपने टीचरों, माता पिता और चाचा चाची को देना चाहता हूँ, क्योंकि कड़ी प्रयास और लगन से मैंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और मेरे माता पिता और चाचा चाची ने मेरा भरपूर साथ दिया और टीचरों के आशीर्वाद से मैं अपने स्कूल में प्रथम स्थान ला सका। क्या बनना चाहते हैं आगे आप? मैं आगे जाकर डिफेंस में NDA की तैयारी करना चाहता हूं और कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। कैसा महसूस हो रहा है आज? आपने सभी लोगों का मतलब मान बढ़ाया है, आपने कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या नाम है? अभिषेक गुप्ता। कितने अंक हैं और किस परसेंट से आप? मेरे 600 में 568 अंक है और मेरे 94.66% आए हैं। किस स्कूल से पास किए? मैंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज VIP रोड से उत्तीर्ण किया है। आपका भतीजा यूपी में स्थान लाया, स्कूल में टॉप किया है, किस तरीके से बच्चे की परवरिश की, क्या कुछ पढ़ने लिखने में इसका रुझान रहा? कहना चाहूँगा सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो। बस ये है कि अच्छी लगन से पढ़ाई करता था, जितनी देर भी करता था लगन से पढ़ाई करता था, बाकी क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका, तो समय निकाल करके वो भी खेलता रहा। बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता, नाइस कंप्यूटर, नाइस लाइब्रेरी, सिविल लाइन। बताना दीदी। हाँ। मेरा नाम अभय सिंह है, मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज VIP रोड फतेहपुर का छात्र हूँ। मेरे जिला में 10वां स्थान प्राप्त किया है मैंने, मेरे परसेंटेज है 94.4% और जो श्रेय है मेरी पढ़ाई का वो मेरे मम्मी, मेरी दादी और मेरे पूरे परिवार और मेरे शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। मैं क्या करना था, मुझे कैसे तैयारी करनी थी, उनका मार्गदर्शन दिया। और मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में कार्य करती हैं और मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने पूरा घर को कैसे मैनेज किया है, तो कैसे उन्होंने बताया कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है हमेशा, वो इसीलिए थोड़ी लगन और मेहनत बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो मैंने किया और ये स्थान मैंने प्राप्त किया। जिले में 10वां स्थान आया है, आगे क्या बनने की इच्छा है आपकी? जी मुझे JEE मेंस का पेपर पहले देना है, वो अगर मेरा निकल गया तो फिर जो NITs और IITs है ना, फिर IIT के लिए GE एडवांस देना पड़ता है, तो फिर JEE मेंस का पहले पेपर दूंगा, अगर हो गया तो मुझे NIT मिलेगी, फिर उससे BTEC मिला, तो आजकल जो सोशल मीडिया वाला युग चल रहा है उस पर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वो बहुत ज़्यादा आगे हो रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस एंड डेटा बेस है, ये बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसी में कुछ मुझे करना है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, समय कितने देते थे पढ़ाई के लिए? सुबह तो मैं नॉर्मली 7 बजे उठ जाता था, फिर फ्रेश फ्रेश होकर फिर अपना पढ़ाई करने के लिए बैठा करता था, स्कूल भी हो जाया करता था, फिर कोचिंग भी हो जाती थी, तो रात के 11 बजे तक मैं पढ़ता था। इसके बाद ये मम्मी कहने लगती थी कि सो जाओ और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाई करता था। डिजिटल यूज कर रहा है, बिना मोबाइल कोई काम नहीं हो पाता, तो पढ़ाई के अलावा भी कभी यूज करते थे मोबाइल का या सिर्फ पढ़ाई के बाद? जी पढ़ाई के बाद यूज़ करता था थोड़ा, जैसे व्हाट्सएप भी चलाते थे, इंस्टाग्राम भी थोड़ा चला लिया करता था, पर थोड़ी देर के लिए, पेपर के पहले एकदम सब
वो था, पढ़ाई के लिए ज़्यादा है, पढ़ाई के लिए ज़्यादा है और इस सब के लिए। आप अपने जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर के? पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई करिए और अच्छे से अपना सब सुधारिए, राइटिंग राइटिंग खूब अच्छी रखिए और सारा लिखने का तरीका आप जानिए। मैंने भी जो पिछले साल जो टॉप किए थे भैया सूर्यांशु भैया, उनसे मैंने पूछा था कि भैया आपने कैसे चीज़ें करी थी, कैसे क्या करा था, तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा था तो मुझे भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। मतलब एक टॉपर्स से आपने कुछ टेक्निकल चीज़ सीख ली, टिप्स मैंने ली थी कि भैया कैसे करा जाता है, क्या लिखा जाता है, कैसे क्या होता है, उनसे फिर मैंने लिया था तो फिर मुझे भी देखिए आज फ़ायदा हुआ है। जी क्या नाम है आपका? अभय सिंह। अपने माता पिता को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे समय समय पर मेरे साथ बहुत सहभागिता निभाई, मुझे सुबह उठाना और फिर मुझे प्रेरित करना कि तुम ऐसे पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ के इससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर मैं अपनी स्कूल की टीचर नीरा मैम को उनके लिए कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छी टीचर थी, उन्होंने मुझे समय समय पर जब मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तो मुझे मोटिवेट करती थी और समझाती थी। देन मैं अपने स्कूल के टीचर महेश सर को भी कहना चाहूँगी, वो भी बहुत मतलब उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझे मोटिवेट किया है। क्या बनने का आगे शौक है? मुझे डॉक्टर बनना है। कितने मार्क्स आए हैं और क्या परसेंटेज है आपका? मेरे 500 में 480 नंबर मैंने प्राप्त किए हैं, 96% आए मेरे। इंटरमीडिएट क्लास जी। किस विद्यालय की छात्रा हैं? मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वीआईपी रोड फतेहपुर छात्रा हूँ। जी आज आपकी बेटी यूपी में 10वां स्थान लाई है इंटरमीडिएट की परीक्षा में, कैसा महसूस हो रहा और किस तरह से बेटियों को आगे प्रेरणा देना चाहिए? जब बच्चे अच्छा करते हैं और विशेषकर बेटियाँ अच्छा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक माता पिता के लिए इससे ज़्यादा गौरवान्वित कोई पल नहीं होता है। मेरी बेटी ने भी मेरा मान बढ़ाया, बेटियाँ वैसे भी पिता का अभिमान होती हैं, मेरी बेटी मेरा अभिमान है निश्चित रूप से, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मुझे मेरी जितनी खुशी है कुछ खुशियां व्यक्त नहीं की जा सकती हैं और मैं बहुत खुश हूं, मेरी बेटी ने अच्छा किया है और इससे भी बेहतर अच्छा करेगी ये भी विश्वास है मेरा। अपने जैसे गार्जियनों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेटियों के प्रति रुझान नहीं रखते थे और आज बेटियां टॉप करती जा रही हैं, तो किस तरह से व्यवहार करना चाहिए बेटी और बेटे? बेटी और बेटे पे अंतर नहीं करना चाहिए, बेटियों को छूट देनी चाहिए, बेटियों पे विश्वास भी करना चाहिए। कभी कभी होता है कि बच्चों को थोड़ा सा रास्ता दिशा और दशा बदल जाती हैं तो उनको रास्ते पर बताया जाना चाहिए और विश्वास सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों पर विश्वास आप करिए, बच्चे अच्छा करेंगे निश्चित रूप से और बच्चों को आपको मोटिवेट करते रहना होगा, बच्चों को मार्ग हमें ही दिखाना होता है, गार्जियन का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और विशेषकर इसमें माताओं का सबसे अहम रोल होता है और मेरी बच्ची ने बहुत अच्छा किया है इसमें, इसका सबसे अहम जो रोल है वो मेरी पत्नी का, मैं इसका सारा क्रेडिट अपनी पत्नी को देना चाहूँगा क्योंकि मैं शिक्षक प्रतिनिधि हूँ और मैं निश्चित रूप से मेरी बेटी ने ज़रूर माता पिता को क्रेडिट दिया है, मैं इसको पूरे ईमानदारी से कहता हूं कि मैं बच्चों को बहुत कम समय दे पाता हूं, देता ही नहीं हूं, मैं शिक्षकों के सेवा में ही लगा रहता हूं और मेरी पत्नी नहीं सारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय त्रिपाठी है, जिला मंत्री में हूं प्राथमिक शिक्षक संघ का और मेरा यही मेरा परिचय है। बेटा आज यूपी में आपका 9वां स्थान आया है, कैसा महसूस हो रहा है और इस टॉप 10 को जो आपने स्थान लाया किसको श्रेय देना चाहेंगे? पूरा श्रेय तो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स को ही जाएगा क्योंकि उन्होंने इतना एफर्ट्स डाले मुझे पढ़ाने के लिए, बाकी मेहनत तो आप टीचर्स को भी जान सकते हैं कि टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है मुझे पढ़ाने के लिए और ऑफकोर्स मेरा भी कुछ अपना भी योगदान रहा है क्योंकि मैंने भी काफ़ी मेहनत की है तो ऑफकोर्स रिजल्ट काफ़ी मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उससे। कितने घंटे पढ़ाई करके आपने? मैंने कभी गिना नहीं कि मैंने कितने घंटे पढ़ा है, वो जो जब मेरा मन करता था मैं तब निकालती थी बुक और बस पढ़ना शुरू कर देती थी। क्या बनने का आगे शौक है आपको? मेरा मेन एम तो अभी फिलहाल नीट करना है मुझे, उसके बाद MBBS करके डॉक्टर ही बनना है। ऑफकोर्स डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती है? बनना है, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। कितने अंक प्राप्त किए हैं? मैंने 481। कितना परसेंट हो? 96.2। स्कूल का क्या नाम है आपका? जी स्कूल का क्या नाम है? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वीआईपी रोड फतेहपुर। बच्ची को शिक्षित करा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, किस तरीके से बच्ची के साथ आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि पढ़कर क्या बने क्या ना बने, किस तरीके से उसे आप गाइडेंस दे रहे हैं या बच्ची की खुद की इच्छा है? देखिए पहली बात तो है बेटी है मेरी लेकिन मैं एज ए फ्रेंड डील करता हूँ, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आगे मेरी बेटी पढ़ के एक समाज सेवा में जाए, जैसे उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ,
तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर बनने के बाद ये अच्छी मरीजों की देखभाल करेंगे, समाज में जो भी रोगी हैं या बहुत ये कह लीजिए गरीब लोग हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये डॉक्टर बनके स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्य करेंगे। हमारे माध्यम से आप उन गार्जियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं जो बेटी और बेटे में भेदभाव करते हैं? आज बेटियां जहां पे नाम रोशन कर रही माँ बाप का, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लग रहा बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेटी आज की डेट में अगर देखा जाए ऑल ओवर, तो मुझे लगता है कि बेटियाँ आगे जा रही हैं बेटों से। तो जो लोग ऐसा कर रहे हो गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं तो मेडिकल से हूँ और राज्य फार्मासिस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलियानी में पोस्ट हूँ। क्या नाम है? ज्ञान सिंह नाम है मेरा। मैडम, आपकी बेटी आज यूपी में एक स्थान ला करके आप लोगों का सर ऊँचा किया है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि जो हम लोग नहीं कर पाए पूरी तरह बच्चे कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है जान कि हाँ मेहनत पूरी कर रहे हैं इन लोग, और बहुत मेहनत करी इसने भी। रात दिन हम देखते थे, पढ़ाई में ही लगी थी, अब तक रिजल्ट नहीं आ गया है, पूरी मेहनत लगाई है इसने अपनी। दोनों लड़कियाँ हमारी मतलब बहुत अच्छी है पढ़ने में। कभी आपने ये नहीं कहा कि बेटा घर? नहीं नहीं नहीं, कभी हम कभी नहीं बोलते काम करने के लिए, केवल अगर पढ़ रही है तो केवल पढ़ें, वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ाए काम तो हमेशा रहेगा, पढ़ाई पहले है। क्या नाम है आपका? सुधा सिंह। परीक्षा में आपके बेटा जिन स्थान लाया है, किस तरह आप देख रहे हैं और किस तरह संघर्ष किया आपने? अब संघर्ष के लिए अब मैं क्या बताऊँ आपको, 2010 में इनके पापा ख़त्म हो गए थे, तब से मैंने अकेले सब कुछ मैनेज किया है, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को पालना, जो भी जैसे भी किया हमने सब अकेले मैनेज किया है, और उस 14 साल का उस संघर्ष का परिणाम मुझे आज मिला है, जो मेरे बेटे ने जिले में 10वां रैंक लाया है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। 3? जी 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। क्योंकि बेटा 10वां स्थान पे आया है, बड़े संघर्ष आपने भी किया है, बेटा इस स्थान पे है, तो क्या अपील करेंगे जैसे आप अपने बेटे को पढ़ाने में इस तरह लाएं, तो अन्य बच्चों के लिए क्या अपील है आपकी? यही अपील करेंगे कि माँ बाप बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, और हर बच्चों का फर्ज बनता है कि वो भी संघर्ष करे और एक स्थान प्राप्त करे, जो अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा सके कि हाँ हमने जो संघर्ष किया उसका फल मुझे प्राप्त हुआ है, और इस संघर्ष में मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज बच्चा 10वें स्थान पर है? अब मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे जो संघर्ष थे, मेरे जो सफ़र तय किया है इन 14 साल में, वो लगता है जो कि हाँ मेरा सफल हुआ है। ये आज खुशी के आंसू झलक रहे हैं? ये खुशी के आंसू हैं, जो मेरा समझ लीजिए कि एक संघर्ष जो किया हमने उसका फल मुझे प्राप्त हुआ है। चौदह सालों में किस तरह का परिवार से सपोर्ट किस तरह मिला आपको, क्योंकि बच्चे छोटे थे? जी जी। नौकरी भी आपको करनी है, पति जी, आपके नहीं थे, तो किस तरह परिवार सहयोग किस तरह मिला? परिवार के सहयोग सर ये इस तरह मिला है कि जैसे आप बच्चे हम चले गए आंगनबाड़ी चले गए, अपना वर्क देखने लगे, वो करने लगे, तो बच्चे आप दादी के ही सहारे रहते थे, दादी को ही देखना था, दादी को ही करना था। बेटी भी छोटी थी, जब बेटी बड़ी हो गई तो बेटी सब संभाल लेने लगी, वो भी देखने लगी, आज भी है दादी है, सपोर्ट उनका भी बच्चों के लिए तो रहता है, ये घर में है बुजुर्ग हैं तो भाई बच्चे उन्हीं के सहारे रहते हैं, अकेले बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे तो उन्हीं के सहारे रहते हैं। खुशी महसूस हो रही है बेटा? जी जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रानी सिंह है।